हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है ये ट्रम्प ऑफ लाइफ का फोर्थ पार्ट, और इसमें जो है हम लाइन 296 के आगे से डिस्कस करना शुरू करेंगे। तो अभी तक हम देख चुके हैं कि जीन जॉक रॉसियो जो है वो आ चुके हैं, उन्होंने प्रोसेशन के बारे में बताया, और अब जो लाइन 296 है यहाँ से वो बताएंगे उनकी लाइफ के बारे में, लेकिन बहुत ही एलेगोरिकल वे में बताया हुआ है, यानी सीधे सीधे नहीं बताया है, बहुत घुमा फिरा के बहुत पोएटिक लैंग्वेज में उन्होंने बताया है कि उनकी लाइफ में क्या हुआ था और कैसे उससे वो हमें सीख लेने के लिए बोल रहे हैं। When comes thou and whither goes thou? और वो बोल रहे हैं कि तुम कहाँ से आए हो और तुम कहाँ जाओगे। How did thy course begin? I said and why? और फिर जो पोएट है वो उसको पूछते हैं कि आपकी जो जिंदगी है कैसे शुरू हुई और क्यों। My eyes are sick of this perpetual flow of people and my heart of one sad thought. अब जो जीन जॉक रॉसियो है वो कह रहे हैं कि मेरी जो आंखें हैं वो इस perpetual flow, perpetual यानी कोई ऐसी चीज़ जो इतनी ज़्यादा repeatedly हो रही है कि आपको ऐसा लगता है कि अनंत है, ये कभी ख़त्म ही नहीं होगी ऐसा। तो वो जो रॉसियो है वो कह रहे हैं कि मेरी जो आंखें हैं ये इस perpetual flow of people यानी ये लोग जो आते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, आते जाते हैं, इनसे मेरी आँखें जो हैं वो थक चुकी हैं और मेरे दिल में सिर्फ एक ही सैड थाट है। स्पीक वेंस आई केम पार्टली आई सीम टू नो And how by what path I have been brought? अब वो कह रहे हैं कि partly मुझे थोड़ा बहुत तो पता है कि मैं कब आया था और मुझे कौन कौन से रास्तों से लेके जाया गया, कौन कौन से रास्ते मैंने लिए हैं, ये मुझे partly थोड़ा बहुत याद है। To this dread pass me thinks even thou may guess why this should be my mind can compass not. तो जो रॉसियो है वो कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम भी इतना तो गैस कर ही सकते हो कि मैं कहाँ से आया हूँ, थोड़ा बहुत तो तुम्हें भी पता होगा। Whither the conqueror hurries me still less, but follow thou and from spectator turn. वो कह रहा है कि जितनी जगह मैंने जीत ली है और सब कुछ जो क्योंकि बहुत ये भी लाइक फेमस थे राइट, तो बोल रहे कि जितनी जगह मैं जीत चुका हूँ उन सब से भी मैं पास हुआ हूँ। एक्टर और विक्टिम इन दिस रेचेडनेस। अब ये जो भी लाइक इस दुनिया में जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो अच्छा बुरा लाइक जो भी सब कुछ हो रहा है, तो अब हो सकता है कि मैं इसमें इस दुनिया में एक एक्टर हूँ या फिर मैं ये जो बुरी चीज़ें हो रही हैं उनका मैं एक विक्टिम हूँ। तो ये जो रेचेडनेस है, जो दुख भरी सब कुछ चीज़ें चल रही है, उसमें या तो मैं एक एक्टर हूँ या तो मैं एक विक्टिम हूँ। And what would thou be thought I then may learn from thee? तो अब ये जो है वो कह रहे हैं कि अब जो क्या है कि जो मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखा है हो सकता है कि उससे तुम भी सीख सको। Now listen. अब जो है जो रॉसियो है वो अपनी स्टोरी बताना शुरू करते हैं। In the April prime when all the forest tops begin to burn. यानी जब अप्रैल जो था, यानी गर्मी का मौसम है, अप्रैल जो है उसमें क्या है कि सारे जो जंगल हैं उनके उनके ऊपर जो आग लगने लगी, मतलब गर्मी का मौसम आ गया है। With kindling green touched by azure climb of the young year, I found myself asleep. अब यहाँ पे जो है वो रॉसियो कह रहे हैं कि सब जगह गर्मी का मौसम आ गया, यानी हरियाली छा गई है और जो azure यानी ब्लू कलर जो होता है आसमान जो है वो भी नीला नीला हो गया और जो साल है उसकी शुरुआत हो गई। आई फाउंड माई सेल्फ असलीप, मैंने जो है अपने आप को सोता हुआ पाया। अब सोता हुआ क्यों पाया? अंडर अ माउंटेन विच फ्रॉम अननोन टाइम हैड योर्न्ड इनटू अ कैवर्न हाई एंड डीप। मैंने अपने आप को सोता हुआ कहाँ पाया? एक माउंटेन के नीचे, एक पहाड़ के नीचे मैंने अपने आप को सोता हुआ पाया, जहाँ से जो कि है एक गुफा है, कैवर्न है, हाई और डीप। एंड फ्रॉम इट केम अ जेंटल रिवुलेट। अब रिवुलेट जो है इट्स अ स्मॉल स्ट्रीम ऑफ वाटर। तो वो कह रहा है कि इस पहाड़ के जो नीचे से है एक रिवुलेट बहता था। हुज वाटर लाइक क्लियर एयर इन इट्स काम स्वीप। उस जो रिवुलेट है उसका पानी जो है वो एकदम हवा की तरह क्लीन यानी साफ था, जैसे हवा ट्रांसपेरेंट होती है उतना ही साफ इस नदी का पानी था। बेंट टू द सॉफ्ट ग्रास एंड केप्ट फॉर एवर वेट। इस नदी का जो पानी है, इस रिवुलेट का जो पानी है, ये जो है घास को हमेशा गीला रखता था और घुमा के बेंट यानी क्योंकि पूरे टाइम पानी की वजह से जो घास है वो मुड़ी हुई रहती थी। ऑल्सो ये जो घास है It describes the grove of forgetfulness, यानी जो चीज़ें हैं वो कैसे भूल जाते हैं उनके बारे में भी वो बता रहा है इसी घास के साथ में। The stems of sweet flower and filled the grove with sound which all who must needs forget. अभी ये जो stems हैं जिसमें बहुत सारे फूल वूल हैं, चीज़ें खिल रही हैं और ये जो आवाज़ें हैं उन्हें लोग भूल जाते हैं। All pleasure and all pain, all hate and all love which they had known before the hour of rest. तो ऐसा माना जाता है कि उस नदी का अगर आप पानी पी लोगे, क्योंकि वो मैजिकल है, तो उस नदी का अगर आपने पानी पी लिया तो क्या है कि आप सब कुछ भूल जाओगे। इसके पहले आपकी लाइफ में जो जो हुआ है, सारे प्लेजर, पेन, हेट, लव, एवरीथिंग जो है तुमने इस घंटे के पहले जो भी तुमने एक्सपीरियंस किया है, जो भी तुम्हें याद है, वो सब तुम भूल जाओगे।
A sleeping mother then would dream not of the only child who died upon her breast. तो अब आपको याद है कि हमने पहले इसी पोएम के पहले वाले पार्ट्स में हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक औरत जिसका कि बच्चा मर चुका है तो वो कितनी दुखी होगी, कितनी त्रस्त होगी. तो वो कह रहा है क्योंकि ये जो औरत है ये भी अगर इसका पानी पिएगी तो वो हर चीज़ भूल जाएगी. तो वो जो है अब अपने उस बच्चे के बारे में नहीं सोचेगी जो उसकी छाती पर मर गया था. एट इवन टाइड अ किंग वुड मोर नो मोर. और शाम के वक्त में, इवन टाइड यानी शाम का जो वक्त होता है, तो वो राजा जो मान लीजिए जो बहुत दुखी था क्योंकि वो अपना राज्य हार चुका है, इसका भी जो है हम पहले पोएम में पढ़ चुके हैं इसी पोएम के पहले हिस्से में. तो क्योंकि वो राजा भी सब भूल जाएगा कि वो क्या जीता वो क्या हारा, तो क्या है कि वो राजा भी जो है वो अब मोर नहीं करेगा, वो दुख नहीं मनाएगा. तो असल में ये टाइम की बात कर रहे हैं कि टाइम के साथ साथ जो है सब चीज़ें धीरे धीरे करके फेड होने लगती है. द क्राउन ऑफ विच हिज ब्रो वॉज डिस्पोसेड. अब जो कि उसके उसको जो क्राउन मिला हुआ था और उसे छीन लिया गया था. डिस्पोजल का मतलब होता है किसी चीज़ को छीन लेना. तो वो जो क्राउन है जो उसे छीन लिया गया था उसके बारे में वो सोच के अब दुखी नहीं होगा. When the sun lingered over the ocean floor to gild his rival's new prosperity. तो जो पोएट यहाँ पे कह रहे हैं कि जो सूरज है वो ओशन के लेवल तक आ जाएगा, यानी शाम हो चुकी होगी, और जो लाइक इन दोनों के बीच में एक राइवल जो राइवलरी होती है थोड़ी थोड़ी दुश्मनी टाइप की, वैसी कुछ नई प्रॉस्पेरिटी के साथ वो आगे बढ़ेगा. Thou wouldst forget thus vainly to deplore. तो तुम भी वैसे ही हर चीज़ भूल जाओगे. ईल्स विच ऑफ इल्स कैन फाइंड नो क्योर फ्रॉम दी, द थॉट ऑफ विच नो अदर स्लीप विल क्वेल. और ऐसी बीमारियाँ जिनका कि कोई क्योर नहीं है, जिनकी कोई इलाज हमें अभी तक नहीं मिला है, उन सब बीमारियों के बारे में भी तुम भूल जाओगे. और वो चीज़ें जिसकी वजह से तुम्हें नींद नहीं आती, द थॉट ऑफ विच नो अदर स्लीप विल क्वेल, यानी ऐसी जो चीज़ें जिनको सोच के तुम्हारी जो नींद है वो बर्बाद हो जाती है. Nor other music blot from memory. और जो है तुम्हारी मेमोरी में जो चीज़ें तुम्हें याद होंगी, जो म्यूजिक तुम्हें याद होगा, स्वीट एंड डीप इज द ऑब्लिवियस स्पेल. तो ऑब्लिवियस का मतलब वैसे तो क्या होता है कि अनमाइंडफुल या फॉरगेटफुल होना, लेकिन यहाँ पे जो है जो पोएट है उसने जहाँ ये वर्ड यूज़ किया है ऑब्लिवियस, दिस इज रॉसियस अकाउंट ऑफ हिज लाइफ इन दिस पोएम इज मॉडल पार्टली ऑन हिज कन्फेशन एंड पार्टली ऑन वर्ड्सवर्थ्स इमिटेशन ऑफ इमोर्टैलिटी. तो हम एक तो उसका कन्फेशन भी है और जहाँ पे जैसे वर्ड्सवर्थ ने जो इमॉर्टलिटी की बात की है उसके बारे में भी वो बता रहा है, दोनों चीज़ों के बारे में. वेदर माई लाइफ हैड बीन बिफोर दैट स्लीप दैट हैवन विच आई इमेजिन और हेल. अब वो कह रहे हैं कि इसके पहले जो मेरा जीवन था वो चाहे हेवन हो या हेल हो, मैं तो भूल ही चुका हूँ सब कुछ. लाइक दिस हार्श वर्ल्ड इन विच आई वेक टू वीप. और फिर ये जो दुनिया है यहाँ पे मैं जन्म लेता हूँ, यहाँ पे मैं जागता हूँ, टू वीप यहाँ रोने के लिए मैं पैदा हुआ हूँ. आई नो नॉट आई अरोज फॉर अ स्पेस. मैं नहीं जानता और मैं जो है एक स्पेस के लिए पैदा हुआ हूँ. द सीन ऑफ वुड्स एंड वाटर सीम टू कीप. यहाँ पे जो है जंगल और पानी है. थॉट इट वॉज नाउ ब्रॉड डे अ जेंटल ट्रेस ऑफ लाइट डिवाइनर देन द कॉमन सन. अब वो कह रहे हैं कि ये बहुत एकदम दिन उजाला हो चुका है, ब्रॉड डे है और जो लाइट है ये बहुत ही जेंटल सी लाइट है, ये यहाँ पे ज़मीन पर पड़ रही है. द कॉमन सन शेड्स ऑन द कॉमन अर्थ. और जो सन है वो जो अपनी लाइट है अर्थ के ऊपर डाल रहा है. बट ऑल द प्लेस वॉज फिल्ड विद मैनी साउंड वोवन इन टू वन ऑब्लिवियस मेलेडी. लेकिन ये जो सभी ये जो पूरी जगह है इट वॉज फिल्ड विद बहुत सारे अलग अलग आवाज़ थे, आवाज़ें जो आ रही थी, साउंड आ रहे थे, और ये जो सारी आवाज़ें हैं ये एक ऑब्लिवियस मेलेडी में मिक्स होके एक गाने की तरह उन्हें, एक मेलेडी की तरह उन्हें सुनाई दे रही थी. Confusing sense amid the gilding waves and shadows done. और फिर ये जो मेलेडी है ये क्या करिए मुझे कन्फ्यूज़ करिए, यहाँ जो वेव्स हैं ओशन की और जो शेडो है इन सब के बीच में जो है ये मुझे कन्फ्यूज़ करिए जो मेलेडी है. एंड आई लुक द ब्राइट ओमनी प्रेजेंस ऑफ मॉर्निंग थ्रू द ओरियंट कैवर्न फ्लोड एंड द सन्स इमेज रेडियंटली इंटेंस. अभी तक हमने क्या देखा कि जो रॉसियो है उनका जन्म हुआ है, तो रॉसियो का जो जन्म हुआ है वो एक ह्यूमन बॉडी में हुआ, यानी वो मॉर्टल है, उनकी किसी न किसी दिन डेथ हो जाएगी. लेकिन अब यहाँ जो वो सन और जहाँ ओशन की वो बात कर रहे हैं, जो पानी बह रहा है वहाँ पे, ये इमॉर्टैलिटी को दर्शाते हैं क्योंकि ये कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, ये कभी भी मरेंगे नहीं. बर्न ऑन द वाटर्स ऑफ द वेल दैट ग्लोड लाइक गोल्ड एंड थ्रेडेड ऑल द फॉरेस्ट मेज. अब वो उस पानी की तरह जल रहे हैं जैसे कि जो वेल किसी कुएं में ऊपर जो पानी चमकता है जलता है सोने की तरह, वैसे ही जो है ये भी वहाँ जल रहे हैं फॉरेस्ट की मेज में, जो फॉरेस्ट की भूल भुलैया है वहाँ पे वो जल रहे हैं. विथ विंडिंग पार्ट्स ऑफ एमरल्ड फायर देयर स्टूड अमिड द सन एज ही अमिड द प्लेस. और इन्हीं जैसे हवा जो चलती है और एमरल्ड कलर की जो फायर है जो आगे उनके बीच में जो है
अमिट द सन, सूरज के बीच में, अमिट द ब्लेज यानी जो आग निकल रही है उसके बीच में वो खड़ा है, ऑफ हिज ओन ग्लोरी ऑन द वाइब्रेटिंग, और अपनी ही जो ग्लोरी है उसके बीच में वो खड़ा है, ऑन द वाइब्रेटिंग फ्लोर ऑफ द फाउंटेन पेव्ड विद फ्लैशिंग रेस, जो वाइब्रेट जो फ्लोर है वो वाइब्रेट हो रहा है और फाउंटेन जो है वो भी वहाँ पे है, उन सब की वजह से जो फ्लोर है वो वाइब्रेट हो रहा है, और फ्लैशिंग रेज यानी जैसे आपको आँखें चकाचौंध कर देने वाली जो रेज हैं जिसे हम कहते हैं चकाचौंध करना, उन रेज के बीच में वो खड़ा है। अ शेप और लाइट विथ विच वन हैंड इट फ्लिंग, अब ये जो शेप ऑफ ये जो शेप और लाइट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इट इज़ द लाइन दैट रिप्रेजेंट्स ह्यूमन क्रिएटिविटी, जैसे कि जो सन है उसकी ग्लोरी में हमें सभी चीज़ें दिखाई देती हैं, हमारी जो इमेजिनेशन है वो भी हमें उसी सूरज में सूरज की रोशनी में दिखाई देती है, लेकिन ये जो लाइट है दिस डिनोट्स द डेडली लाइट ऑफ नोइंग यानी जो नॉलेज है उसे हमें तो लगता है कि नॉलेज अच्छा है, लेकिन आपने कभी सोचा कि अगर हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाए तो वो भी हमारे लिए पेनफुल होगा, दर्दनाक होगा और बुरा ही होगा अगर आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिल गया तो, उसकी बात कर रहे हैं। तो नहीं भाई, यहाँ जो शेप और लाइट है वो लाइक जो अनंत ज्ञान है, अनंत नॉलेज जो है वो उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। न्यू ऑन अर्थ एज इफ शी वर द डॉन हुज इनविजिबल रेन फॉर एवर सीम टू सिंग, अब जैसे ड्यू यानी जो ओस की बूंदे होती हैं ज़मीन पे, वो उसके बारे में बता रहे हैं कि जैसे कि ज़मीन पे ओस की बूंदे होती हैं और डॉन यानी शाम जैसे होती है वैसे ही वो थी, और अब यहाँ पे वो सडनली चेंज कर चुके हैं, अभी तक सूरज के बीच में जो खड़ा था जो शेप और लाइट है उसकी बात ख़त्म करके अब वो एक औरत को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये औरत कौन है हमें इसके बारे में आगे पता चलेगा। तो वो ऐसी ही जैसे अर्थ के ऊपर ओस की बूंदें हैं, जैसे शाम का वक्त है, हुज इनविजिबल रेन फॉर एवर सीम टू सिंग, जिसका कि जो इनविजिबल बारिश है वो हमेशा अपनी आवाज़ में गाती रहती है। अ सिल्वर म्यूजिक ऑन द मॉसी लॉन, जैसे कि जो घास जहाँ होती है जिस लॉन में तो वहाँ जो म्यूजिक बजता है वैसा, एंड स्टिल बिफोर हर ऑन द डस्की ग्रास, जो डस्की ग्रास है जो घास है उसके बारे में बता रहे हैं, आयरिस हर मैनी कलर्ड स्कार्फ हैड ड्रॉन, तो आयरिस जो है ऐसा माना जाता है कि ये वो गॉडेस है जो कि मैसेंजर ऑफ गॉड की तरह एक्ट करती है, यानी वो इंसान और भगवान के बीच में मैसेंजर का काम करती है, और ये जो है इनका गॉडेस का जो साइन है वो है रेनबो, सो शी डिस्प्लेज द रेनबो एज हर साइन, तो इसीलिए जो है यहाँ पे उन्होंने रेनबो की और बारिश की बात की थी। इन हर राइट हैंड शी बोर अ क्रिस्टल ग्लास, वो जो है आयरिस देवी उनके राइट हैंड में क्रिस्टल का ग्लास है, मैंटल विद ब्राइट नेपथीन एंड फियर स्प्लेंडर फेल फ्रॉम हर एंड शी एज शी मूव्ड अंडर द मास, और जो नेपथीन है, नेपथीन हमें समझना पड़ेगा कि जो होमर का ओडिसी जो है इसमें नेपथीन को एक ऐसी चीज़ की तरह बताया गया, एक ड्रग की तरह बताया गया है, विच हैज़ द पावर टू बैनिश पेन एंगर एंड सॉरो, लाइक ये जो भी चीज़ आपके मन में होंगी ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी जैसे ही आप नेपथीन को लेंगे। तो जब ये जो गॉडेस है आयरिस से चलती हैं तो जो नेपथीन है ये इनके हाथ से छलकता जा रहा है, ऑफ द डीप कैवर्न एंड विद पाम सो टेंडर, इनके जो पाम्स हैं जो हथेली वो बहुत ही नरम है, टेंडर है, Their tread broke not the mirror of its billow, gilded along the river and did bend her head under the dark bow till like a willow. जैसे कि जो है इनके जो हाथ है हथेलियाँ वो बहुत ही नरम है, और जो है ये आगे चलती हैं चलती जाती हैं, और नदी पे जब ये मुड़ती हैं तो इसका जो सर है वो ऐसे मुड़ता है, ऐसे झुकता है जैसे कि विलो यानी कोई श्रब श्रब या जो ऐसे पेड़ पौधे होते हैं छोटे छोटे वाले उनकी तरह उसका जो सर है वो वैसे मुड़ता है। Till like a willow her fair hair swept the bosom of the stream, यानी कि किसी विलो की तरह जो है उसके जो बाल हैं वो जो समंदर है स्ट्रीम जो है नदी जो बह रही है उसकी छाती पे से गुजर रहे हैं, that whispered with delight to their pillow, और वो जो उसके बाल है वो delight के साथ delightfully जो है वो pillow को inform करते हैं, as one enamored is upborne in the dream, upborne का मतलब होता है किसी चीज़ को support करना या उसको खड़े रहने में मदद करना। Over lily paven lakes mid silver mist to wondrous music so this shape might seem partly to tread the waves with feet, तो अब क्या है कि उसको और आगे डिस्क्राइब किया है कि जो सिल्वर मिस्ट है यानी धुंध जो छाई हुई है सिल्वर कलर की और बहुत ही अच्छा मधुर जो म्यूजिक है वो वहाँ पे चल रहा है और उसका जो शेप है टू दिस शेप माइट सीम ये शेप कैसा लग रहा है माइट सीम पार्टली टू ट्रेड द वेव्स विथ फीट ऐसा लग रहा है जैसे कि जो वेव्स हैं उनको हम पैरों से धक्का देते हैं तो विच किस द डांसिंग फोम तो जो वेव्स हैं वो डांसिंग फोम जो ओशन के ऊपर झाग नहीं होता है उसके ऊपर जैसे कि वो उसे किस कर रहे हो पार्टली टू ग्लाइड अलॉन्ग ग्लाइड करना यानी स्मूदली निकल जाना तो कोशिश कर रही है कि वो उसके ऊपर से चल के निकल जाए द एयर्स दैट रफ एंड द मॉइस्ट एमिथिस्ट
वो हवा जिसने कि जो अमेथिस्ट है उसको रफ कर दिया। अमेथिस्ट एक प्रेशियस स्टोन होता है जिसमें कि वायलेट और पर्पल कलर के क्वार्ट्ज होते हैं। तो आपने लाइक नदी के किनारे वो देखा होगा, बहुत काफ़ी नुकीला नुकीला सा ही होता है। तो जो हवा है जिसने उस पत्थर को, अमेथिस्ट का जो पत्थर है उसको एकदम रफ कर दिया है। और द स्लांट मॉर्निंग बीम दैट फेल अमंग द ट्रीज, या फिर वो जो सुबह की किरणें हैं जो पेड़ों के बीच में से घिर के आ रहे हैं, और द सॉफ्ट शेडो ऑफ द ट्रीज, या फिर पेड़ों से जो ठंडी ठंडी सॉफ्ट जो छाया बन के आ रही है वो, एंड हर फीट एवर टू द सीजलेस सॉन्ग ऑफ लीव्स एंड विंड एंड वेव्स एंड बर्ड्स एंड बीस, या फिर जो कि गाना गा रहे हैं, कौन कौन गाना गा रहे हैं, किस किस की आवाज़ें आ रही हैं, लीव्स विंड वेव्स एंड बर्ड्स एंड बीस, इन सब की जो आवाज़ें आ रही हैं, and falling drop moved in a measure new yet sweet as on the summer evening breeze। तो अब एक नई तरीके की आवाज़ तो है लेकिन फिर भी ये उतनी ही मधुर है, उतनी ही स्वीट है जैसे कि समर के यानी गर्मी के मौसम में शाम को जो ठंडी हवा चलती है वो कितनी अच्छी हमें लगती है, वैसे ही जो है ये भी हमें उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। अप फ्रॉम द लेक एंड शेप ऑफ गोल्डन ड्यू बिटवीन टू रॉक्स अथवाट द राइजिंग मून, तो अब जो है लेक के ऊपर से जहाँ पे जो गोल्डन कलर की ओस है उन दो रॉक्स के बीच में जो है जो मून है यानी चांद जो है वो ऊपर आने लगा है, क्योंकि अभी तो हम दिन की बात कर रहे थे, अब जो चांद ऊपर आ रहा है मतलब रात हो रही है। मूव्स अप द ईस्ट वेयर ईगल नेवर फ्लू, जो चांद है वो ईस्ट की तरफ आगे बढ़ रहा है जहाँ पे कि जो ईगल जो चील है वो कभी उड़ते नहीं है। एंड स्टिल हर फीट नो लेस देन द स्वीट ट्यून टू विच दे मूव्ड सीम्ड एज दे मूव्ड, अब उसके जो पैर हैं लाइक वो किसी मधुर आवाज़ की तरह, मधुर किसी ट्यून की तरह वो लग रहे थे, ऐसा लग रहा है कि वो मूव कर रहे हैं और हमें दिख रहा है ऐसा कि वो मूव कर रहे हैं। टू ब्लॉट द थॉट्स ऑफ हिम हु गेज्ड ऑन देम, अब वो जो है ये जो इसके पैर हैं वो क्या करते हैं, उन लोगों के थॉट्स जो कि इन पैरों को देख रहे हैं, घूर रहे हैं, उनके थॉट्स को वो ब्लॉट कर देते हैं, रोक देते हैं। Soon all that was seemed as if it had been not. तो अब ये जो है बचपन की जो मेमोरी है, चाइल्डहुड मेमोरी, उसकी बात कर रहे हैं कि जो बचपन में जो चीज़ें होती हैं वो हम भूलने लगते हैं। तो all that was seemed as if it had been not, as if the gazer's mind was strewn beneath. क्योंकि हम बचपन में बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें ढंग से याद नहीं रहती, मतलब एक हेजी हेजी तरीके से हमें याद रहती हैं, उसके बारे में वो बता रहे हैं। Her feet like amber and as she thought by thought, और उसके जो पैर हैं वो एम्बर की तरह हैं और उसके हर एक विचार पे और विचार आ रहे हैं। ट्रैम्पल इट्स फायर इन टू द डस्ट ऑफ डेथ, जो सारे विचार हैं ये क्या कर रहे हैं, डस्ट ऑफ डेथ यानी मौत का जो धूल है उसमें जाके आग में ही अपने आप को जला रहे हैं। एज डे अपॉन द थ्रेशहोल्ड ऑफ द ईस्ट ट्रेड्स आउट द लैम्प ऑफ नाइट, यानी कि अब जो है दिन जो है वो ख़त्म हो रहा है, ईस्ट जो शुरू होता है वो अब रात के वक्त में ख़त्म हो रहा है। अनटिल द ब्रेथ ऑफ डार्कनेस रिल्यूमेंस इवन द लीस्ट, यानी जब तक कि जो रात है वो पूरी तरीके से अपने आप को लाइक पूरा काबू नहीं कर लेती। ऑफ डार्कनेस रिल्यूमेंस इवन द लीस्ट ऑफ हेवन्स लिविंग आइज लाइक डे शी केम मेकिंग द नाइट ऑफ अ ड्रीम एंड अर्थ शी सीस्ड, ऐसे ही किसी वक्त में जो है वो आई और जैसे रात को सपना आता है ऐसी वो आई, अर्थ शी सीज्ड टू मूव एज वन बिटवीन डिजायर एंड शेम, और वो एकदम रुक गई, शी सीज टू मूव यानी उसने रुक जो चलना है जो मूवमेंट है उसको एकदम बंद कर दिया, जैसे कि डिज़ायर और शर्म के बीच में जब कोई इंसान है कि उसकी कुछ करने की कुछ पाने की इच्छा होती है लेकिन उसे शर्म भी आ रही होती है कि वो उसे कैसे ले, उसके बीच में वो जैसे लटका हुआ जैसे झूलता रहेगा वैसे ही जो है वो भी रुक गई। आई सेड इफ एज इट डॉट सीम दाउ कम्स फ्रॉम द रियल विदाउट अ नेम, तो इसने क्या कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम ऐसी किसी जगह से आ रहे हो जिसका कि कोई नाम नहीं है। Into this valley of perpetual dream, तुम कहाँ पे आ चुके हो, ये जो वैली है जहाँ perpetual dream यानी कभी ना ख़त्म होने वाले dreams जो है इसकी वैली में तुम आ चुके हो। Shew whence I came and where I am and why, तो रोसियो जो है वो पूछ रहे हैं कि तुम कहाँ से आए हो, कि वो कहाँ से आए हैं। Pass not away upon passing stream, और जो ये जो passing stream है तुम वहाँ से जाने की कोशिश मत करो। Arise and quench thy thirst, वो कह रहे हैं कि तुम उठो और तुम्हारी जो प्यास है उसे बुझाओ। Was a reply, किसने कहा ये, अभी तक जिस आयरिस की हम बात करें ये उसने कहा कि तुम उठो और जो है अपनी प्यास को बुझाओ। And as a shut lily stricken by the wand of dewy morning's vital alchemy, I rose, और जैसे कि कोई लिली का जो फूल होता है वो कैसे सुबह होने तक तो वो बंद रहता है और अचानक से जब सुबह होती है तो ड्यूई मॉर्निंग के साथ जो है वो एकदम जाग जाता है, जो फूल है वो खिल जाता है, वैसे ही मैं खड़ा हुआ। आई रोज
एंड बेंडिंग एट हर स्वीट कमांड, और उसने जो कमांड दी थी, उस देवी ने जो कमांड दी है, मैं उसके ऊपर झुका. टच विथ फेंट लिप्स द कप शी रेस्ड एंड सडनली माई ब्रेन बिकेम एज सैंड. जो पोएट है, लाइक जो रोस्टी हुआ यहाँ पे, उन्होंने क्या किया कि जब उस देवी ने उन्हें आदेश दिया कि तुम जाओ अपनी प्यास बुझाओ, तो जो रोस्टी हुआ उन्होंने जो कप ऑफ नॉलेज है, वो कप ऑफ नॉलेज को अपने लिप्स पे लगाया और उसको पी लिया. तो ये जो कप था, ये देवी जो आयरिस है उनके हाथ में था, और इन्होंने उससे पी लिया. अब जैसे उन्होंने उसको पिया, उन्हें ऐसा लगा जैसे सडनली माई ब्रेन बिकेम एज सैंड, मेरा जो दिमाग है वो रेत की तरह हो गया है. वेर द फर्स्ट वेव हैड मोर देन हाफ इरेस्ड, और जैसे कि पहली जो वेव है रेत की, उसमें से आधे से ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो मिट चुकी हैं, इरेज हो चुकी हैं. द ट्रैक ऑफ डियर ऑन डेजर्ट लैब्राडोर वाइल द फियर्स वॉल्व फ्रॉम विच दे फ्लेड अमेज्ड. अब जो डियर हैं, जो डियर जो है वो भेड़ियों से बच के भाग रहे थे, वैसे ही जो है कितने वो शौक में होंगे, वैसे ही शौक में जो है रॉस्की भी यहाँ पे है. लीव हिज स्टैम्प विजिबली अपॉन द शोर अंटिल द सेकेंड बर्स्ट सो ऑन माई साइट. और फिर इसके स्टैम्प से ही जो है, लाइक ये जो चीज़ है, इतना छाप छोड़ गई उनके ऊपर अपना, और उतने में ही जो है सेकेंड बर्स्ट जो है वो आया. तो पहली वेव में तो उनकी हालत हो गई थी, तो दूसरा जो बर्स्ट आया, सो ऑन माई साइट बर्स्ट अ न्यू विजन नेवर सीन बिफोर. इनकी जो पुरानी चीज़ें हैं, वही जो दूसरा जो भी पास में उनके होता जा रहा है, वो चीज़ों को वो भुलाते जा रहे हैं, और नई नई चीज़ें जो हैं उनकी लाइफ में या उनके आँखों के सामने आती जा रही है. And the fair shape waned in the coming light as wheel by wheel silent splendor drops. और जो नए नए shapes है वो उनकी आँखों के आगे आते जा रहे हैं light के साथ, light यानी knowledge के साथ, जो उनकी आँखों के सामने वो नए shapes आते जा रहे हैं. As wheel by wheel the silent splendor drops. और wheel by wheel यानी एक एक करके scene की तरह जो है इनके आँखों के आगे वो आ रहे हैं और जा रहे हैं. From Lucifer amid the chrysolite. अब Lucifer जो है यहाँ पे, उसे light bringer की तरह दिखाया जा रहा है, जिसे हम star भी कहते हैं, morning star जो है. तो वो जो Lucifer है उसे morning star कहा गया है. और chrysolite जो है is a name given to a precious oblivion, a pale yellowish green silicate magnesium or iron. तो एक metal समझ लीजिए आप, या कोई एक element है जो समझ लीजिए. तो Lucifer और chrysolite की उन्होंने बात की है. ऑफ सनराइज ईयर इट स्ट्राइक्स द माउंटेन टॉप्स. और यहाँ पे जो है, क्योंकि अब जो पोएट है उन्हें इतना सारा नॉलेज मिल चुका है, तो जैसे सनराइज जब होती है किसी पहाड़ की ऊंचाई पे, वैसे ही उन्हें उतना नॉलेज मिल चुका है. एंड एज द प्रेजेंस ऑफ द फेयरेस्ट प्लैनेट ऑल दो अनसीन इट फेल्ट बाय वन हु होप्स. और जैसे कि कोई जो सबसे अच्छा प्लैनेट होगा इस दुनिया में, उसकी जो प्रेजेंस है वो हर कोई फील नहीं कर सकता है, लेकिन बस वही फील कर सकता है जो कि होप कर सकता है. That this day path may end as you begin it in that star smile. कि ये जो दिन है, इस दिन का जो रास्ता है, may end as you begin it, जैसे इसकी शुरुआत हुई थी वैसे ही जो है ये रास्ता आज दिन का ख़त्म हो. In the star smiles whose light is like the scent of jonquil when evening breezes fan it. और इस जो स्टार है, इसकी जो स्माइल है वो कैसी है, उसकी स्मेल ऐसी है जैसे कि जो jonquil एक तरीके का फूल होता है, स्वीट स्मेलिंग फ्लावर होता है, तो जैसे उसकी जो खुशबू जैसी रहेगी, और उसको अगर आप हवा में, पूरे हवा में अगर वो ब्रीज के साथ, लाइक ब्रीज यानी ठंडी ठंडी हवा जो चलती है उसके साथ अगर वो फैलती रहे, तो कैसी स्मेल होगी, वैसी उसकी स्मेल है. और द सॉफ्ट नोट इन विच हिज डियर लमेंट द ब्रेस्टियन शेफर्ड ब्रेथ और द खैरास दैट टर्न्ड हिज वेरियस लंबर टू कंटेंट. तो ये जो ब्रेस्टियन लमेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये असल में इट्स अ फेवरेट, ये एक फेवरेट गाना था, एक ये गाना है जिसके बारे में वो बता रहे हैं, शीप को लेके ये जो गाना है उसका रेफरेंस उन्होंने यहाँ दिया है. दैट टर्न्ड हिज वेरी स्लम्बर टू कंटेंट. और यानी जब स्लम्बर नहीं होता आपको, बहुत आलस आ रहा होता है, तो ये जो गाना है वो सुन के जो है इनकी स्लम्बर को उन्होंने खुशियों में बदल दिया. तो जो आलस भरा हुआ था उसकी जगह वो कंटेंट यानी खुश हो गए. So knew I in the light's severe excess the presence of the shape which on the stream moved as I moved along the wilderness. तो ये जो shapes हैं, जो नए नए shapes उनके आँखों के सामने जो आ रहे थे, ये भी वैसे वैसे रॉसियो के साथ मूव किए, जैसे कि रॉसियो जो हैं जब wilderness में यानी जंगल में वो आगे बढ़ते हैं, ये जो shapes हैं वो भी उनके साथ में आगे बढ़ते जाते हैं. मोर डिमली देन अ डे अपेयरिंग ड्रीम. और उतने ही ये डिम होते जाते हैं, जैसे कि हमें दिन के वक्त कोई सपना दिखाई दे तो वो कितना डिम होगा, वैसे ही ये भी डिम होते जाते हैं. The ghost of a forgotten form of sleep, जैसे कि किसी forgotten form of sleep, नींद का कोई ऐसा form जो कि हम भूल चुके हैं, उसके भूत की तरह जो है ये मेरी आंखों के आगे आ रहे हैं. A light from heaven whose half extinguished beam through the sick day in which we wake to weep. और तभी heaven से एक light आती है, वो light ऐसे आती है जैसे कि जब हम किसी दिन, हम जब बहुत बीमार होते हैं और हम सिर्फ इसीलिए जागते हैं कि हम रो सकें,
वैसी जो है वो लाइट आई, ग्लिमर्स फॉर एवर सॉट फॉर एवर लॉस्ट, और वो जो लाइट है वो आई, चमकी और मुझे मिली और फिर हमेशा के लिए लॉस्ट हो गई, लाइक हमेशा के लिए गुम गई. सो डिड द शेप इट्स ऑब्स्क्योर टेन्योर कीप बिसाइड माई पाथ एज अ साइलेंट गोस्ट बट द न्यू विजन एंड इट्स कोल्ड ब्राइट कार. तो अब जो क्या है कि इनके जो पास्ट के जो भूत हैं, इनके पास्ट में जो चीज़ें इनके साथ हुई थी उन सबको वो भूल चुके हैं और अब उन्हें जो नए नए विजन है वो आते जा रहे हैं. बट द न्यू विजन एंड इट्स कोल्ड ब्राइट कार, यानी कि उन्हें जो है वो चैरियट, जिसके बारे में हमने इसके पहले वाले वीडियो में बात की थी, वो जो चैरियट है उन्हें वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और वो जो चैरियट है उसके साथ में बहुत सारा क्राउड भी है, उन्हें वापस वो विजन दिखाई दे रहे हैं. तो दोस्तों यहाँ तक जो है हमने लाइन 434 तक कवर कर लिया है. अब सिर्फ ऑलमोस्ट 100 लाइंस बची है जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाती हूँ, क्योंकि ये भी काफ़ी लंबा हो गया है. ऑलमोस्ट लाइक 25-25 मिनट के सारे वीडियोस होते जा रहे हैं. तो जो नेक्स्ट पार्ट है, आई प्रॉमिस दैट विल बी द लास्ट पार्ट, बहुत जल्दी मैं उसको भी अपलोड कर दूँगी. एंड एज यूजुअल जो सारे नोट्स हैं उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड की हुई है. जो सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो हैं, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स मुझे लगे, वो मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रही हूँ, प्लस मैं कमेंट सेक्शन में भी ऐड कर रही हूँ. और अगर आपको बाद में अलग से कहीं कॉपी करना हो कुछ, तो इसीलिए जो है मैंने उसे अपने ब्लॉग पोस्ट पे भी डाला हुआ है. सारी लिंक्स जो है वो आपको यहाँ वीडियो में मिल जाएंगी, पहले पार्ट, दूसरे पार्ट, आगे के जो पार्ट है, टोटल 5 पार्ट रहेंगे इसके. मैं एक्चुअली इसको कम में करना चाहती थी बट नहीं हो पाया. आई थिंक मुश्किल हो रहा था क्योंकि काफ़ी बड़ी पोएम है और काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन भी देना है मुझे इसमें. तो जैसे भी हो रहा है, इट्स ओके. नेक्स्ट पार्ट जो है वो उसका लास्ट रहेगा. ऑलमोस्ट 100 लाइंस हमारी बची हैं, 110 लाइंस, उसके साथ ही जो है ये पोएम कवर हो जाएगी. So I hope to see you guys in the next one.